यूपी के जिला आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, एक व्यापारी बैग में 2 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तभी एक बंदर ने उनसे बैग छीन लिया और वहां से भागने लगा। वहीं जब व्यापारी ने बंदर का पीछा किया तो बंदर ने बैग से करीब 60,000 रुपए बाहर निकाल कर फेंक दिए और बैग लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि व्यापारी विजय वंसल ने बताया कि वो बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जा रहे थे और पैसों से भरा बैग उनकी बेटी के हाथ में था। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे तो वहां पर 3-4 बंदर मौजूद थे और उन्होंने उनकी बेटी से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और वहां से भागने लगे। वहीं जब व्यापारी ने शोर मचाना शुरू किया तो वहां मौजूद गार्ड और पुलिसकर्मियों ने बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बंदर को नहीं पकड़ पाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो पकड़े तो किसे पकड़े। उधर व्यापारी का परिवार भी सदमे में कि आखिरकार वो क्या करें। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।